हम सब खुशी के मुश्ताक हैं। ईद का दिन आता है, बड़ी तैयारी होती है पूरा महीना। जो ही ईद का दिन आया, बड़े खुश। जब ईद का दिन मुकम्मल हुआ, वो खुशी मायूसी में फैलने लगी। हमारा लाशऊर चाहता है कोई खुशी हो, लंबी हो। मैं आपके लाशऊर की बात कर रहा हूँ थोड़ी सी। चलो खुशी पे दो चार जुमले हो जाएं। खुशी हो, लंबी हो, आरजी ना हो। मसलन कई ऐसे मजाहिब हैं जो इस खुशी में शरीक नहीं, उनका भी तो हक है ना, उनका भी तो लाशऊर चाहता है। देखो हमारी फितरत में शामिल है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसी खुशी हो जो खत्म ना होने वाली हो, जिसका किनारा ना हो। हमने ईद के 3 दिन खुद ही बना लिए, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे ही है ना। जब 3 दिन खत्म हो जाए, हम कहते तो हो ईद आई थी, खत्म हो गई। हमारा लाशऊर चाहता है कोई खुशी हो, ऐसी हो जो फिर ना खत्म होने वाली हो। आओ पूछते हैं, ऐसी भी खुशी कभी आएगी? हाँ हाँ, रूए जमीन पर दुखी इंसानियत, परेशान मखलूक, तकलीफों में घिरी हुई इंसानियत इंतजार में है। अल्लाह करे ऐसी खुशी आए। एक तो उस खुशी में हर बंदा खुश हो। और इतनी तवील हो कि जिसके खत्म होने का किनारा ही ना मिले। नहीं अर्ज कर पाए। बड़ी हसरत से अल्लाह बेटा देता, अल्लाह ने बेटा अता कर दिया। कुछ अरसे बाद बच्चा जब बड़ा हुआ, बाप से बदतमीजी करने लगा, वो खुशी खत्म। पूरी किताबों की इल्मी नचोड़ आपकी झोलियों में डाल के अर्ज करने लगा हूँ, इंशाअल्लाह वो खुशी आने वाली है। जब खुशी भी खुशी करेगी, उस खुशी को कहते हैं ज़हूर इमाम ज़माना। इसलिए तो कहते हो अर्ज़ा का तवन व तुमत्तयहू फीहा। शाबाश।